हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम बैक। कल हमने फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल निकालना सीखा है। वीडियो में थोड़ा सा कुछ बोलना था जो बीच में कट हो गई, उस वजह से स्किप हो गया। थोड़ा सा स्किप नहीं, एक्चुअली छूट गया था, तो वो हम दोबारा से। एक पार्ट्स है जो शायद मुझे लग रहा है कि शायद आपका अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो उस केस में 2E हम आज करेंगे। ये जो अभी मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ ये 2D से ही है। वहाँ पर क्या है कि आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन मिला था कि इस फ्रैक्शन का पहले तो आपको क्या निकालना था, रेसिप्रोकल निकालना था। उसके बाद क्या करना था, आपको शो करना था कि ये इसका रेसिप्रोकल और इसी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई आपस में करने से जो आंसर है वो 1 आएगा। तो उसको कैसे किया जाएगा, पहले सबसे पहले क्या किया हमने, कन्वर्ट किया इसको किस में, मिक्स से इम्प्रॉपर में। तो लिखा वहाँ पे कि कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 7 वूल 1/7 इज इक्वल टू कितना हो गया, 50/7, ठीक है। नाउ तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 7 वूल 1/7 इज 7/50, क्योंकि ये तो खुद इसके इक्वल है, तो इसका रेसिप्रोकल हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना था शो, कि ये जो रेसिप्रोकल है और जो फ्रैक्शन है इनकी मल्टीप्लाई आपस में कितनी आएगी, 1। तो हमें हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके दिखाओ। 7 वूल 1/7 मल्टीप्लाई 7/50। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, इसको मिक्स से इम्प्रॉपर की फॉर्म में लिख दो कि इसको सोल्व किया वो कितना हो गया, 50/7 मल्टीप्लाई 7/50। 50 से 50 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, सब कुछ 1 पे कैंसिल हो गया, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। हैंस प्रूवड दैट, क्या प्रूव किया कि रेसिप्रोकल, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोकल एंड द नंबर इज 1, ठीक है। तो वो आप लिख लो, क्लियर। उम्मीद है कि आपको हो भी चुका होगा ये, आपने जैसे हमने बाकी एग्जांपल्स किए थे उनके बेस पे भी आप इसको कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2E, जिसमें हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हम सीखेंगे। बहुत इजी है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे हैं, अब जैसे मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई में तो हमने क्या किया था, सिंपल न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट हो रहे थे तो हमने उनको कट कर दिया था। लेकिन आज हम जो करेंगे 2E, यहाँ पर हमें क्या करना है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम सोल्व करते हैं। मान लीजिए कि आपको 2 फ्रैक्शन दे रखी है, सिंपल मतलब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि 4/5 डिवाइड बाई 2/5। तो सिंपल सा रूल है, फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड को तो क्या कर दो, सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई बना दो, और जो डिवाइड के आगे यानी कि इस साइड, डिवाइड के साइन के राइट साइड में जो फ्रैक्शन लिखी गई है, जो कि क्या है इस केस में 2/5, उस फ्रैक्शन का आपको क्या लेना है, रेसिप्रोकल। ये यानी कि 2/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/2। और इसको जब हम सोल्व करेंगे ये इससे कैंसिल, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को हम कट कर सकते हैं, कब, किसके केस में, मल्टीप्लाई के केस में। और 2 1 जा 2 2 2 जा 2 4, तो कितना आ गया आंसर हमारा, 2, ठीक है। यही क्या हो गया आंसर। तो बात तो बहुत आसान है, सिंपल सी है। प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है कि जल्दी जल्दी में कई बार आप क्या करते हो, सेकंड फ्रैक्शन को तो आप एज इट इज रख लेते हो, यानी कि राइट डिवाइड के साइन के राइट साइड में जो है, और जो लेफ्ट साइड में है उसको आप रेसिप्रोकल कर देते हो, तो वहाँ पर फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिवाइड के साइन से पहले जो है उसको एज इट इज़ लिखोगे, उसके बाद जो है डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे, और बाद वाली फ्रैक्शन का आप क्या लोगे, रेसिप्रोकल, ठीक है।
तो ये तो सिंपल है। अब इसी टाइप से अगर मान लीजिए मिक्स फ्रैक्शन है आपकी कोई, 1 वूल 1 बाई 20 डिवाइड बाई 3 वूल 3 बाई 20, तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको? पहले सबसे पहला काम क्या होगा, किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर में 20 1 बाई 20 हो गया ये तो, उसके बाद डिवाइड का साइन है, ये हो गया 63 बाई 20, राइट। ये तो आप चेंज कर ही लोगे अभी। तो अब नेक्स्ट रूल क्या है कि जब हम सिंपल फ्रैक्शन लिख ली है प्रॉपर या इम्प्रॉपर में से, तो फिर उसको क्या कर दो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और बाद वाली का रेसिप्रोकल, और यहाँ पे 21 से 20 63 जो है वो कैंसिल हो गया, कितने पे? 3 पे, और 20 से 20 आपस में कैंसिल, तो कितना बचा आंसर? 1 बाई 3। अब कई बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में यहाँ पर यहाँ तक क्वेश्चन ठीक करेंगे, आगे प्रॉब्लम क्या कर देते हैं, गलती क्या कर देते हैं कि जो ऊपर अगर 1 बचा है दोनों केस में, न्यूमरेटर में मतलब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो यानी कि 1 है, और नीचे जो भी नंबर बचा है उसको डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। 3 नहीं लिखना है, 3 हम कब लिख सकते थे? जब ये 3 कहाँ पे होता? न्यूमरेटर में। लेकिन जब डेनोमिनेटर में कुछ बचता है और न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, सब कैंसिल हो गया, तो वहाँ पे न्यूमरेटर 1 लिखना बहुत आवश्यक होता है। 1 बाई 3 और 3 दो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, ठीक है? तो यानी कि 1 बाई 3 हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करोगे। उसके बाद कैसा भी हो सकता है क्वेश्चन, ये भी हो सकता है कहीं पे आपको सिंपल एक नंबर दे दिया जाए, 5 डिवाइड बाई 2 वूल 3 बाई 5। तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे? पहली फ्रैक्शन को हम क्या कर लेंगे, 5 बाई 1, डिवाइड का साइन तब तक रखेंगे जब तक मिक्स है, मिक्स को पहले चेंज करेंगे किस में, इम्प्रॉपर में, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 13 बाई 5, और ये कितना हो जाएगा फिर? 5 बाई 1 मल्टीप्लाई 5 बाई 13। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 25 बाई 13 ये आपको क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है? एक्चुअली जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आंसर ना फ्रैक्शन में अगर आपका देखो एग्जैक्ट आ गया कोई भी, यानी कि वूल नंबर आ गया, 1 आया, जैसे इस केस में 1 आया था, यहाँ पे 2 आया था, तो वो ठीक है, उसको रहने दो एज इट इज़, या फिर वो क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको भी एज इट इज़ रहने दो, इन तीनों केस में। अब इस केस में जो आंसर आया है हमारा वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप दोबारा से आंसर जब लिखोगे तो किस में चेंज करके लिखो, मिक्स फ्रैक्शन में। और 25 बाई 13 का मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखोगे आप? 25 को किस में डिवाइडेंड के रूप में लोगे, 13 डिवीजर, सो 13 2 जब कितना होता है 26, सो उस पे नहीं, 1 पे ही जाएगा, 13 1 जा 13, कितना बचा? 12। तो यहाँ पर जो हम सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, जो रिमाइंडर है कितना है 12, इधर जिससे हमने डिवाइड किया है डिवाइडेंड को 13, और यहाँ पर क्यूसेंट, ठीक है? फॉर्मूला क्या है, क्यूसेंट वूल पार्ट के रूप में लिखते हैं, और जो फ्रैक्शन हम लिखते हैं वो क्या होती है, रिमाइंडर डिवाइड बाई डिवीजर। तो ये आपका तरीका है लिखने का। जब जब आपका आंसर किस में आएगा डिवाइड करने के बाद, किस में आंसर आया है इम्प्रॉपर में आता है, तो उस केस को आप दोबारा से किस में जब फाइनल आंसर लिखोगे तो किस में कन्वर्ट करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, डिवाइड करके देखो, जो क्यूसेंट आया उसको वूल पार्ट के रूप में, जो रिमाइंडर आया उसको जो मिक्स फ्रैक्शन का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है जिस प्रॉपर वाला, तो उसका रिमाइंडर जो है वो ऊपर, और जिससे हमने डिवाइड किया यानी कि डिवीजर कहाँ पर, नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर के रूप में। सो इस तरीके से आप आंसर लिखोगे। तो अब आपका होता है ये कंप्लीट। उसके बाद आपके ना दो क्वेश्चन हैं जहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, तो उनको आप कैसे सोल्व करोगे देखिए। क्वेश्चन आपका ये है कि हाउ मैनी यानी कि कितने नंबर पूछा गया आपसे, 2 वूल 2 बाई 3 आवर एपिसोड्स, यानी कि एक एपिसोड की जो टाइमिंग है वो कितनी है, 2 वूल 2 बाई 3 आवर। ऐसे ऐसे कितने एपिसोड
बनेंगे टोटल कितने टाइम में, 16 आवर में। तो नंबर ऑफ एपिसोड पूछा है, तो आपको क्या बताना है, पहले बता दो कि टाइम फॉर वन एपिसोड कितना है, 2 by 13 आवर, ठीक है। एक्चुअली आपसे अगर नंबर ऑफ एपिसोड पूछे हैं तो आप टाइम यहाँ पर, तो हमें ये वाली यहाँ पे जो चीज़ लिखते हैं वो कौन सी लिखते हैं जो आपसे पूछी गई है। अगर टाइम पूछा होता तो इस टाइप से लिखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, आप क्या करोगे कि नंबर ऑफ एपिसोड, नंबर ऑफ एपिसोड इन जितना टाइम दे रखा है, दो चीज़ें तो जो दे रखी होती हैं उनको हम स्टेटमेंट वाली साइड में लिखते हैं, वो कितनी है, वो इतने आवर में कितने जो आपके नंबर ऑफ एपिसोड है वो कितने बनते हैं, वन, राइट। नेक्स्ट क्या है, अब आपसे क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ एपिसोड इन 16 आवर, तो आपको पहले किसका निकालना पड़ेगा, वन आवर का, भाई नंबर ऑफ एपिसोड इन वन आवर, वन आवर में कितना हो जाएगा, वन डिवाइड बाई दिस वन, 2 by 3 आवर, ठीक है, सिंपल। उसके बाद नंबर ऑफ एपिसोड इन कितने में, टोटल कितना पूछा हमसे, 16 आवर, 16 आवर में कितना बनेगा, अगर एक आवर में इतना बनता है तो 16 आवर में कितना बनेगा, 16 के साथ हम इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो यानी कि इसकी क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई वन डिवाइड बाई टू दिस, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 16, अब डिवाइड में पहले इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे, 3 2 6 8 by 3, उसके बाद 16 वन मल्टीप्लाई एट, डिवाइड की जगह पे अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 3 by 8, एंड देन मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे मल्टीप्लाई वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा, अंदर और किसके साथ मल्टीप्लाई करना बचा है, अब 16 के साथ, तो कैंस यहाँ पे डिवाइड हो गया कितने पे, 2 पे, आंसर कितना आ गया, 6, तो यानी कि टोटल कितने एपिसोड बनेंगे 16 आवर में, 6, जिनकी टाइमिंग कितनी होगी, 2 by 3 आवर, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, तो सिंपल ये मतलब यही था कि आपको टोटल आवर दे रखे थे 16, एक और आपको पूछा था, एक आवर का टाइमिंग भी दे रखा था, तो नंबर ऑफ एपिसोड पूछे थे आपको कि कितने बनेंगे, भाई एक एक एपिसोड का टाइम इतना है, 2 by 3 आवर, और टोटल टाइम कितना दिया हुआ था, 16। तो नंबर ऑफ एपिसोड के लिए आप सिंपल भी किस तरीके से कर सकते हो, मतलब एग्जैक्ट तरीका तो यही है, तो सिंपल ये कर सकते हो आप कि टोटल टाइम कितना है 16 आवर, उसके बाद टाइम टेकन या फिर टाइम ऑफ टाइमिंग ऑफ वन एपिसोड वो कितनी है, 2 by 3 आवर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, नंबर ऑफ एपिसोड पूछा है अगर, नंबर ऑफ एपिसोड, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर टोटल टाइम डिवाइड में टाइमिंग ऑफ वन आवर, क्या लिखोगे, टाइमिंग ऑफ वन एपिसोड, सॉरी, तो कर दो, टोटल टाइम कितना है, 16 डिवाइड बाई 2 volt, वन की कितना है, 2 volt 2 by 3। नेक्स्ट यहाँ से ये 16 आवर है, ये 2 volt 2 by 3 आवर है, अब आवर डिवाइड में है तो आवर से आवर कैंसिल, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा अपना, 16, पहले इसको सोल्व करेंगे तो दोबारा से क्या बनेगा, 8 by 3, फिर मल्टीप्लाई से डिवाइड जब आप करोगे, सो 3 by 8, दोबारा से आंसर आपका वही आ जाएगा, 6, ठीक है। तो
तो यानी कि सिंपल क्या था, टोटल आपको ये बताया गया था कि 16 आवर हैं, वही 16 घंटे हैं, और एक एपिसोड जो आता है वो कितने टाइम का आता है, 2 घंटे, 2 whole 2/3 hour का। तो आपसे पूछा था कि टोटल कितने एपिसोड 16 आवर में बन जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल टाइम से एक के टाइम को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एपिसोड आ जाएंगे। तो टोटल टाइम 16 था, एक का टाइम ये था, डिवाइड किया आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पर एग्जैक्ट इसी टाइप का है। वहाँ पे क्या दिया गया है कि एक प्लास्टिक का रोल है जिसका लंबाई आपको दी गई है, कितनी है उसकी लेंथ, 10 wool 4/5 meter। उसको कट किया जाता है कितने में, 3/10 centimeter लेंथ के टुकड़ों में। तो आपको बताना है कि हाउ मैनी लेंथ्स आर मेड, तो वहाँ से कितनी लेंथ्स इस टाइप की बन जाएंगी। यानी कि क्या है क्वेश्चन आपका, मान लीजिए एक प्लास्टिक की कोई लेंथ है इस टाइप से, जिसकी लंबाई कितनी है, टोटल 10 wool 4/5 meter। अब इसको कट किया जाता है छोटे छोटे पीसेज में, जिसकी लेंथ कितनी है, उस छोटे पीस की लेंथ कितनी है, सिंपल 3/10 centimeter। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। आपसे पूछा गया है कि टोटल कितनी लेंथ्स हैं, पहले तो ये लिखोगे कि टोटल लेंथ दिस वन, उसके बाद लेंथ ऑफ वन पीस कितना हो जाएगा, 2/10 centimeter। अब या तो आप इसको सेंटीमीटर बनाओ या उसको मीटर, इस तरीके से सोल्व करोगे आप, देखिएगा ध्यान से हम क्या लिखेंगे। टोटल लेंथ ऑफ प्लास्टिक रोल, प्लास्टिक रोल की टोटल लेंथ कितनी है, 10 wool 4/5 meter। इसको यहीं पे आप चेंज कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 5 टेन 50 एंड 4 54/5 meter। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ वन पीस भी, एक टुकड़े की लंबाई जब हमने कट किया, या फिर वन कट आप लिख सकते हो वहाँ पर, कितना, 3/10 centimeter। अब क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ पीसीज, या फिर वहाँ पे लेंथ बोला गया, तो यानी कि वो भी इस लेंथ की कितनी लेंथ्स टोटल बनी है, जिनकी लंबाई इतनी है। तो नंबर ऑफ पीसीज क्या हो जाएंगे, ऊपर टोटल लेंथ डिवाइड बाई लेंथ ऑफ वन पीस, ऑफ वन पीस। अब इसको इस तरीके से लिखने की बजाय डिवाइड का साइन लगा के लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा टोटल कितना है, 54/5 meter डिवाइड बाई 3/10 centimeter। अब प्रॉब्लम होगी ना, ये मीटर है, वो सेंटीमीटर है। अब मीटर से सेंटीमीटर को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि जब भी डिवाइड हम करते हैं या मल्टीप्लाई जब हम करते हैं किन्हीं चीज़ों की, तो उसके इसमें सबसे पहली जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है वो क्या होती है, कि जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो अब यूनिट सेम बनाने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, हमें पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम इसको मीटर वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है, 54/5 × 100। ठीक है, डिवाइड बाई, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5/10 centimeter। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, लेकिन यहाँ पे आप रीज़न दोगे कि बिकॉज 1 meter = 100 centimeter। ठीक है, ये आप रीज़न में लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 4 005 / 5/10, राइट। अब डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 ऊपर 5 नीचे। अब ऊपर कितना हो गया, अब यहाँ पर चाहो तो आप इसको कट कर दो, इसको 2 से, और यहाँ पर आपका आ गया 2/5। अब इसको 5 से कैंसिल कर दो, 5 1 जब 5,
एग्जैक्टली उसके बाद फोर छोटा रह गया जीरो, तो दो उतार लिया तो उसके लिए जीरो, 40 कितने पे, 8 पे, अगेन यहाँ पे एक और जीरो बचा तो उसके लिए भी जीरो, ठीक है। ये वन डिवाइड आप कर लेना आसानी से, अलग से भी कर सकते हो सिंपल। अब इसकी टू से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, 200, 2 8 जा 6, 1 कैरी, 200 एंड 1 एंड 2, सो ये आपका क्या आ गया आंसर कि कितनी लेंथ्स बनेगी हमारी उस टाइप की, 2160। सो दैट इज योर आंसर। ओ वेट 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 वेट, यहाँ पर क्या हुआ, हमने लेंथ ऑफ वन पीस कितना था, 3/10, और हमने कितना कंसिडर कर लिया, यहाँ तक ठीक था, यहाँ पे 5/10, हम 3/10 को 5/10 लिख गए, यूज़ कर गए गलती से, तो इसको दोबारा सोल्व करना पड़ेगा आपको, या फिर तरीका यही है आप सोल्व कर लेना। और आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर 3600 आना चाहिए आपका, तो यहाँ पे 5/10 की जगह पे आपको 3/10 यूज़ करना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, मतलब दिस वन, ये आपका आंसर आना चाहिए जब 3/10 यूज़ करेंगे हम। तो ये कितने हो गए भाई, इतने पीसेस उस टोटल जो रोल था प्लास्टिक का उसमें से बनेंगे, जिनकी लेंथ कितनी होगी, 1/3/10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब हमारी होती है 2.2 ई एक्सरसाइज समाप्त। सिंपल डिवीजन था, दो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे, तो दोनों आपको करवा दिए गए हैं, बस यहाँ पे आपको 3/10 रखना है, और 2.2 ई इज़ ओवर। अब आप सीख चुके हो फ्रैक्शन से रिलेटेड सभी जो अपनी नॉर्मल ऑपरेशंस होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आपका कवर हो चुका है। कल हम सीखेंगे सिंप्लीफाई करना, यानी कि जहाँ पे दो या तीन चीज़ें इकट्ठी दे रखी होती हैं, यानी कि फ्रैक्शन है और कहीं पे डिवाइड दे रखा है, कहीं पे मल्टीप्लाई, कहीं पे प्लस, तो उसको कैसे हम सोल्व करेंगे ये हम कल सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।